जनपद रुद्रप्रयाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड की विधानसभा में समान नागरिक संहिता बिल पास होने के बाद खुशी जताते हुए आतिशबाजी की। बता दें कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने यूसीसी बिल पास होते ही एकत्र होकर आतिशबाजी कर खुशी जताई और कहा कि देश में उत्तराखंड सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए समान नागरिक संहिता लागू कर संदेश दिया है। इसी के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार को बधाई दी, तो वहीं कांग्रेस के जिला मीडिया प्रभारी नरेंद्र सिंह बिष्ट ने विरोध जताते हुए यूसीसी बिल पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार ने बिना सार्वजनिक किए लोगों को गुमराह किया है। आम जनता को अभी यूसीसी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। रुद्रप्रयाग से संवाददाता सत्यपाल नेकी की रिपोर्ट। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी का धन्यवाद करूंगा, जो वर्षों वर्षों से ये यूसीसी कानून की बात हो रही थी और आज उन्होंने ये कानून लागू किया। मैं पूरे सदन का धन्यवाद करूंगा और उत्तराखंड की जनता को बधाई दूंगा कि ये कानून लागू हुआ है। खास करके जो विवाह से संबंधित तलाक और संपत्ति का जो अधिकार है उसमें सभी को सम्मान इसमें जो है इस जैसे कानून में एक रूपता आ जाएगी। मैं आज बहुत ही खुश भी हूँ और अपने बहुत ही लोकप्रिय युवा नेता माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का और पूरे सदन का बहुत बहुत धन्यवाद आभार प्रकट करती हूँ, जो कि लंबी लड़ाई के बाद आज यूनिफॉर्म सिविल कोड आरक्षण बिल पास हुआ। मैं इसमें पक्ष विपक्ष दोनों को सदन अपने महिला सशक्ति की ओर से बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। इस बिल में एक महिला को सशक्त बनाने का भी और समानता का अधिकार महिलाओं को मिलता है, जैसे हर चीज़ में इसमें समानता है। मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ अपने आदरणीय मुख्यमंत्री जी और केंद्र बहुत ही लोकप्रिय विश्वप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद।